Next day, Spud. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन वो भी देख लेते हैं। जैसे ये है वही वापस। ये CH3 है। ऐसे ही नेक्स्ट है ये वाला है। ये कार्बोकैटायन है यहाँ पे। ये NH2 और ये एक अब इसमें हमें क्या करना है, राइट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। राइट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो ये फर्स्ट है, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर, ये फाइव। उसके बाद क्या देख रहे हैं इसमें, स्टेबिलिटी। अब कार्बोकैटायन को स्टेबल कौन करेगा? कार्बोकैटायन को स्टेबल वो करेगा जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिंग में दे रहा हो, क्योंकि कार्बोकैटायन को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज। अब जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब जैसे वापस वही आ गया, इसका प्लस आई होता है, प्लस आर आर होता है, इसका माइनस आई माइनस आर, इसका माइनस आई माइनस आर, इसका प्लस आई प्लस आर, इसका माइनस आई माइनस आर, माइनस आई माइनस आर, माइनस आई माइनस आर। तो सबसे पहले ये लिख लिया करो। उसके बाद अब जिस रिंग में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, क्योंकि कार्बोकैटायन उसी रिंग में ज़्यादा स्टेबल होगा। और जिसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो वो वाला कार्बोकैटायन सबसे कम स्टेबल होगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो सबसे ज़्यादा दे कौन रहा है, सबसे ज़्यादा, अब पहले प्लस आई वालों को देखते हैं। तो एक तो ये है, एक ये है, बाकी तो सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, तो वो कम स्टेबल होगा। पहले प्लस आई वाले देखते हैं। तो फर्स्ट में और फोर्थ में कंपैरिजन करते हैं। तो फर्स्ट और फोर्थ में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है, NH2। NH2 यहाँ पे ज़्यादा देता है कंपैरिजन टू OH कंपैरिजन में, क्योंकि OH ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो NH ज़्यादा देने की, नाइट्रोजन ज़्यादा देने की टेंडेंसी रखता है ऑक्सीजन से, तो ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ाएगा इस रिंग में। तो सबसे जो स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन फोर्थ होगा। उसके बाद प्लस आई वाले होंगे, उसके बाद ये फर्स्ट होगा। अब ये तो जो अभी तक देखे थे फर्स्ट और फोर्थ है, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे थे तो, और कार्बोकैटायन को स्टेबल बना रहे थे। अब जो नेक्स्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, उन सबका माइनस आई है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहे हैं
तो कार्बोकेटायन को अनस्टेबल बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे और पॉजिटिव बढ़ा रहे हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन होता है। लेकिन हमें कंपैरिजन तो ये करना है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है फिर भी उनमें, हालांकि ये इनसे कम स्टेबल हैं बाकी के इनसे, पर इनमें कंपैरिजन करना है कि कौन से वो हैं, मतलब कौन से इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। तो अब जो इनको देखते हैं, सेकेंड को, थर्ड को और फाइव को। तो सेकेंड, थर्ड और फाइव में जो सबसे कम खींच रहा है, सबसे कम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहा है, वो कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे कम माइनस आई किसका है, तो यहाँ पे देखते हैं, एक तो NO2 है, एक COOH है, एक ये तीन लगे हुए यहाँ पे। तो आपको पता ही है ये मतलब किसी COOH ग्रुप होता है उसका माइनस आई ज़्यादा होता है NO2 से। तो NO2 सबसे कम खींच रहा है यहाँ पे, तो NO2 यहाँ पे सबसे कम खींच रहा है, तो ये कम अनस्टेबल बना रहा है कार्बोकैटायन को। तो कंपेरिजन टू इनके और इनके दोनों के ये ज़्यादा स्टेबल है, तो इसका आंसर थर्ड। नेक्स्ट होगा थर्ड। अब बचते हैं दो, यहाँ पे दो में जो एक तो है सेकंड, सेकंड और फोर में। अब ये पता है सबसे ज़्यादा कौन खींच रहा है, इन दोनों में से सबसे कम कौन सा खींचेगा ये, क्योंकि अब एक लगा हुआ है वहाँ पे, तीन लगे हुए हैं, तीन सी डब्ल्यू एच ग्रुप लगे हुए हैं, तीन सी डब्ल्यू एच ग्रुप, यहाँ पे एक सी डब्ल्यू एच ग्रुप लगा हुआ है। तो इसलिए अब यहाँ पे स्टेबल इसमें ज़्यादा होगा सेकंड में, उसके बाद फाइव में। तो ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होता है मतलब कार्बोकैटायन का, मतलब प्लस हाई माइनस हाई इफेक्ट से जैसे।